पैर तोड़ दिया कमजोर आदमी। फालतू गिरी तुम्हारी। अरे बिल्लू भाई, हम ऐसे बैंड बाजे वाले जैसे क्यों आए? लेकिन एक मिनट चुप रहो ना, तुम लोग धीरे बतियाओगे। पुलिस के मिशन पर हो तुम लोग भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? वाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी ना बचपन में तमन्ना थी कि कुछ मिशन मिशन जैसा खेलने का। वैसे बिल्लू भाई जान का कोई खतरा नहीं है ना? अरे एक मिनट, कुछ भी नहीं होगा, हमारा गारंटी है। धन्यवाद की तब भैया, हमारा गारंटी है। कब गोली लगेगा, कब प्राण निकलेगा, कब तुम दोनों साथ में निकलोगे कुछ पता नहीं चलेगा। आराम से बेफिक्र रहो, रिलैक्स्ड। हम नहीं जा रहे। अरे अरे बोले बोले इनको। अरे नहीं चलो। ओ यार कहाँ? हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से हैं और मंडप सजाने के लिए आए हैं भैया। ठीक है, जा जाओ, चलो 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 जल्दी। एक मिनट। हाँ चंदूक खोलो। हाँ? क्या खोलो? चंदूक खोलो। क्या है कि हम लोग डेकोरेशन डिपार्टमेंट से और मंडप सजाने के लिए आए हैं। अब आरती का वक्त हो गया, सारे भक्त लोग आ रहे हैं। अगर सही समय पर मंडप नहीं सजाना तो खामखा हम लोग को अस्थाना साहब के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। कृपा करके हम लोग को जाने दीजिए। महोदय आप लोग को चुनाई नहीं देता या चमच नहीं आता? बोल रहा हूँ चंदूक खोलो तो चंदूक खोलो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप चमच नहीं, सॉरी आप समझ नहीं रहे तो खोल ही देते हैं। देर होगी, तुम डांट सुन लेंगे ना, तो जाने दो ना। आप यार चाहत किचको, चाहत किचको। ठीक है किचको यहाँ चल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो भाई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं संतु जी, हम तो बस ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा देख रहे थे। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ, काउंटिंग काउंटिंग मैडम काउंटिंग, जो भी चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है ना बॉडी में, उसे निकाल दो। हाँ नहीं मैडम, हम तो एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमको कुछ नहीं हुआ एकदम, कुछ तकलीफ। हाँ तो फिर सीधे खड़े रहो ना, क्यों ऐसे केकड़े की तरह इधर उधर इधर उधर घूम रहे हो? सॉरी मैडम। चीती करिश्मा मैडम कहाँ है? मेरे संदूक से निकली तो थी लेकिन अभी कहाँ है और क्या कर रही है कुछ नहीं पता है, हम लोग उन्हें खोज रहे हैं। हाँ लेकिन मिली नहीं रही, उनका दिमाग कब कैसे चलता है समझ में ही नहीं आता। बेटे जो मैं देख रहा हूँ वो तू भी देख रहा है क्या? यार बिल्ले ये स्थाना तो पूरा गैंग लेके चलता है। हमें तो करिश्मा मैडम की चिंता हो रही है, कहीं इन्होंने देख लिया ना तो सीधा गोली ही मार देंगे। और इन्हें पता है कि करिश्मा मैडम के मर्डर में उनको सजा नहीं हो सकती, कानून की नजर में तो वो पहले ही मर चुकी है ना। हम सबको तैयार रहना चाहिए, सबको तैयार रहना चाहिए। संतु जी अब इससे ज्यादा क्या तैयार होइएगा आप? मिशन जीते मिशन के लिए तैयार रहना होगा, करिश्मा मैडम को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ मिशन। जय माता दी। चलिए चलिए संतु जी चलिए। बता नहीं सकता आप लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दशहरा है और आप लोगों के नए घर का भूमि पूजन भी। संतोष करिश्मा सिंह कहाँ है?
गोल्डन टावर परिवार में आप सबका स्वागत है। माता के दर्शन का समय हो गया है, आइए माता के दर्शन करते हैं। करिश्मा मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आखिर क्या करने वाली हैं वो? तो ये तुम हो, तुम्हें क्या लगा माँ दुर्गा का तुमने रूप ले लिया तो दुर्गा तुम्हारे अंदर आ जाएगी? दुर्गा माँ कहीं से आती नहीं है, दुर्गा माँ हर एक औरत में मौजूद होती है। जरूरत है तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को उनको जगाने की, जो आज तुमने जगा दिया अस्थाना। हमें दिखता क्या है, मार उसको। अबे मार। क्या तू अस्थाना, तुम्हारी बहन गौरी भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, और वो सभी औरतें भी एक औरत है जिनके साथ तूने छल किया है। हम सभी औरतें होती हैं माँ का स्वरूप, हम ही लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती, हम ही काली और हम ही दुर्गा। धर्मियों के लिए शीतल जल और अधर्मियों के लिए प्रचंड ज्वाला, और आज हम सभी आए हैं तुम जैसे दुष्टों का नाश करने, संपूर्ण रूप से सर्वनाश करने, तुम्हारा अस्तित्व मिटाने।